तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के सेशन के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए कि कैसे एक इंसान ने आज इतनी अर्निंग लास्ट कुछ दिनों में कर पाई है इसको सीखने के लिए। तो आप सभी लोग जो एक्साइटमेंट है, इतनी देर से रुके हुए हैं, तो उसको मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा उस शख्स के बारे में आपको बताने के लिए कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं और होता क्या है। देखिए, जब भी हम किसी के बारे में जानते हैं, आज आप किसी की जर्नी सीखने को आए हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में जानते हैं, क्या पता हमें कौन सी लाइन हिट कर जाए, कौन सी लाइन हमारी लाइफ में लगे कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी में भी था, अगर ये शख्स कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके की जर्नी रहती है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं किसी और के बारे में, क्योंकि कौन कब कहाँ आपको इंस्पायर कर जाएगा आपको नहीं पता। तो मेरा नाम अमितेश राजपूत और आज मैं आपको जिस शख्स से मिलाने वाला हूँ, तुषार रोहिला जी, जिन्होंने $2500 प्लस क्रॉस किया है। ऑलरेडी उनकी ज़्यादा इनकम हो चुकी है, वो खुद आपको बताएंगे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। आज उन्हीं को सुनने का मौका है तो ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा। ऑन स्क्रीन हम बुलाना चाहेंगे तुषार रोहिला जी को, वो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे, फिर हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं कि कैसे क्या उन्होंने चीज़ें अचीव की हैं और क्या क्या चीज़ें उनकी लाइफ में अभी तक हुई हैं। तुषार रोहिला। तो गाइस, मेरा नाम तुषार है, ठीक है। जस्ट मैंने MBA कंप्लीट करी है और MBA के साथ साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं कुछ ऑनलाइन फील्ड के अंदर लगभग 2.5 साल हो गए, 2.5 ईयर, और इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ स्टडी के साथ साथ। जी सर, तो बस यही है छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए, बहुत सा छोटा सा इंट्रोडक्शन, वही बात है ना, जब जिसके पास चीज़ें हों इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा रह जाता है। लेकिन आज देखिए, आपको सुनने के लिए लोग आए हुए हैं, तो शुरुआत आपने जैसे अपने बारे में थोड़ा सा बताया, तो मैं सिंपल से जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी ये जो जर्नी है, जो आज जिसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी लाइफ में? स्टार्टिंग सर, जैसे कि स्टूडेंट एज के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, फिर कोई ना कोई फ्रेंड बता देता है कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन चीज़ें चली हुई हैं। तो मेरे को भी ऐसे जानने का मौका मिला था कि किसी फ्रेंड ने आगे मेरे को चीज़ें बताई थी कि ऐसे ऐसे हम अर्निंग कर सकते हैं स्टडी एज के अंदर, क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं होता, मेरे को भी नहीं पता था कि हम स्टडी स्टूडेंट एज के अंदर स्टडी करते करते अर्निंग भी कर सकते हैं। तो किसी फ्रेंड ने आगे मुझे डिस्कस करा था कि हम ऐसे पढ़ते पढ़ते कमा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से मेरे को चीजें जानने का मौका मिला, उसके बाद फिर मैंने वो चीजें स्टार्ट करी, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद ज्यादा वहां पर रिजल्ट नहीं मिले थे, बस मतलब ये था कि चीजें सीखने को काफी सारी चीजें मिल गई थी, ये जो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ठीक है। पहले मैं काफी मतलब बातचीत नहीं कर पाता था किसी से भी, मतलब जैसे आज भी मतलब बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आने के बाद मेरे को, मैं अभी किसी से भी मतलब नॉर्मली बातचीत कर सकता हूँ किसी भी चीज के रिगार्डिंग। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रोवर्ट टाइप का हो गया, मतलब चीजें ये, और मतलब, और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन के अंदर चीजें देखी, पहले ऑफलाइन के अंदर था, फिर धीरे धीरे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन के बारे में जानने का मौका मिला, ठीक है, ऑनलाइन से कैसे कैसे चीजें हो सकती है, क्योंकि सभी लोग घर पर बैठ गए थे तो कहीं पर आना जाना बंद हो गया था। तो ऑनलाइन के अंदर हमें क्या क्या चीजें हो सकती थी, सारे वर्क फ्रॉम होम होते जा रहे थे, ऑनलाइन चीजें होती जा रही थी, तो वहां से मुझे भी जानने का मौका मिला कि ऑनलाइन कैसे चीजों को करा जा सकता है अप्लाई। उससे पहले मैं ऑफलाइन कर रहा था, ठीक है। तो फिर ऑनलाइन में चीजें स्टार्ट करी, वहां पर भी ज्यादा रिजल्ट नहीं मिले, बस एक्सपीरियंस एक मतलब इकट्ठा होता चला गया, ठीक है, जगह जगह ट्राई करने से। मतलब उस टाइम मैंने फेसबुक एड्स ट्राई करके देखा था 2020 के अंदर, ठीक है, जिसके रिजल्ट मेरे को आज मिले, लगभग लास्ट मार्च से स्टार्ट करा था, लास्ट ईयर 2022 मार्च से, और अभी तक हम उससे बहुत अच्छा चीजें कर पा रहे हैं। मतलब जो जो चीजें पहले ट्राई करी वहां से बस एक्सपीरियंस कलेक्ट हुआ, फिर उन चीजों को बार बार अप्लाई करते 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 और उनके फिर मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट हुए हैं, फिर उसके बाद हम उनको चीजों का यूज करके। और फिर सर अभी अर्नर कम्युनिटी के अंदर जर्नी स्टार्ट हुई है, तो बाकी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने सन 2020 में अपनी जर्नी शुरुआत की, लेकिन रिजल्ट आज आपको दिख रहे हैं, तो ये रातों रात के रिजल्ट नहीं है, वो एक्सपीरियंस जो इन्होंने पास्ट में सीखा, जो एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में किए, जिसकी वजह से आज चीज़ें हो पा रही हो। हम क्या कहते हैं, कई सारे लोग हो सकता है इस सीजन में भी हों, आज ही डरते हैं कि मान लो कल उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही इनकम हो जाए, या कई तरीके की चीज़ें चलती हैं। जो सोचिए, पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस जो इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें की, हर जगह अपने आप को ट्राई किया, ऑनलाइन की दुनिया में कदम रखा, उसका रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है, आपने अपने बारे में बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली आपने अर्नर कम्युनिटी का पार्ट क्यों बने, इतने सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। जी, काफी सारी चीजें ट्राई करी, और ट्राई करने के बाद मतलब वो होता है ना कि मतलब जैसे हम अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है,
अर्निंग करने के बाद फिर उसको कंसिस्टेंसी, देखो एक चीज बोली जाती है कि पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो पैसे तो कमा लिए, लेकिन पैसे कमाते रहना में भी बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस आ जाता है, रेगुलर चीजें करते रहना। तो इस वजह से मैंने अर्नर कम्युनिटी का चुना ऑप्शन, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से चीजें जो कर रहा था वो टेम्परेरी थी, ठीक है। अब चीजें तो मैं अपनी तरफ से अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ही अगर हमें ढंग का ना मिले तो फिर उसमें कोई कितना भी वहां पर मेहनत कर लो, वो सारी मेहनत बेकार जानी है। तो आज से लगभग जो पिछले कुछ टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, ठीक है, उनके रिजल्ट्स आए, लेकिन कुछ टाइम तक आए और फिर से डाउन हो जाते हैं, ठीक है। एक बार ऊपर गया फिर नीचे, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म तो स्ट्रॉन्ग हो, एटलीस्ट हम उसके ऊपर बिलीव करके चीजों को अपना एक विजन लेके कर तो सकें कि हम चीजें की लॉन्ग टर्म तक चीजें सोच सकें उस प्लेटफॉर्म के साथ। तो इस वजह से अर्नर कम्युनिटी का मेरा डिसीजन था कि हम लॉन्ग टर्म तक चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा। देखिए इन्होंने जैसे कि बोला कि प्लेटफॉर्म का और लॉन्ग टर्म का, बोलते हैं ना, देखिए पैसा हमारे किससे आता है, नेटवर्क से। बेसिकली पैसा नेटवर्क से आता है, और नेटवर्क तब बन पाएगा जब हम कहीं टिकेंगे। आज दो दो लोगों का इधर बनाया, दो लोगों का अलग बनाया, इस बनाते बनाते कभी आप एक बहुत बड़ा इनकम नहीं ले सकते, लेकिन जब एक बार आपका नेटवर्क बन जाता है तब आप छोटा छोटा अमाउंट भी लोगों से आता है तो बहुत बड़ी इनकम हो जाती है और बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ का प्लेटफॉर्म में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दूँ, मान लो मैं लखनऊ में हूँ, अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मैं पैदल जा सकता हूँ, बाइक से जा सकता हूँ, कार से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, फ्लाइट से जा सकता हूँ। हमारी डेस्टिनेशन सेम रहेगी दिल्ली, लेकिन अगर हमारा प्लेटफॉर्म बदल जाएगा तो वही डेस्टिनेशन बहुत कम समय में कम्प्लीट हो जाएगी। वही चीज़ें यहाँ अर्नर कम्युनिटी में है कि आज आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपका गोल जो भी था पता नहीं, हो सकता है आप नॉर्मल लाइफ में 30 साल 40 साल 50 साल लगाते हैं, लेकिन वही जर्नी इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप आने वाले 1 साल 2 साल 30 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म का दम है, बाकी तो हम लोग सुनते रहेंगे इस सीज़न में। चलिए बहुत अच्छा है, ये चीज़ें आपने अपने रीजन के बारे में बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जैसे अर्नर कम्युनिटी का आपने रीजन तो बता दिया, लेकिन अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही अर्नर कम्युनिटी के साथ? सर जर्नी तो बहुत शानदार रही है, इतनी कम टाइम के अंदर बहुत मैसिव, मेरी पहला मतलब ऐसा मंथ गया अभी तक के पिछले इतने सारे टाइम के अंदर कि पहले मंथ की अर्निंग मतलब $2700 को क्रॉस, आज लगभग मेरे को इस प्लेटफॉर्म के अंदर 28 दिन हो गए हैं, और 28 दिनों के अंदर जो, और बहुत छोटी सी टीम के अंदर, टीम तो मैंने बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बनी है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटी सी टीम के अंदर $2700 क्रॉस हो जाए, जो कि लगभग 240,000 से ज्यादा इनकम होती है 28 दिनों के अंदर। तो इस वजह से अर्नर कम्युनिटी के अंदर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरी चीज, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है और लाइव वेबिनार ट्रेनिंग सिस्टम है, ये सुपर बेस्ट है। मतलब कोई भी पर्सन आए और इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बन जाए, सिर्फ ट्रेनिंग्स का, जो हमारी सुबह मीटिंग्स होती है, जो हमारी शाम को मीटिंग्स होती है, संडे स्पेशल होते हैं, और इन हॉल ऑफ फेम के थ्रू चीजों को सीखते रहे, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पर्सन ऐसा होगा हमारे अर्नर कम्युनिटी के अंदर कि वो सक्सेस ना हो पाए। बस उसको इन मीटिंग्स का पार्ट बनना है और यहाँ पर आके वो सारी की सारी चीजें सीख के अप्लाई करके और बहुत ही कम टाइम के अंदर मैसिव। और यहाँ पर मैं नहीं सर, मेरी टीम के अंदर भी मतलब बहुत अच्छे लगभग 6 से 7 ऐसे लोग हो चुके हैं जो $1,000 से ज्यादा के क्रॉस कर चुके हैं, और एक पर्सन तो मेरी इनकम के साथ साथ ही टच करने वाला है। एक पर्सन तो मतलब करीब करीब ऐसे हैं कि जो मतलब मेरे साथ ही चीजें स्टार्ट करी थी, वो भी लगभग मेरी जितनी इनकम टच करने वाले हैं। तो और लगभग 50,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग तो 10 से 12 लोग हो चुके हैं। तो बहुत छोटी सी टीम के अंदर हम बहुत मैसिव रिजल्ट क्रिएट कर पा रहे हैं सर। तो अर्नर कम्युनिटी के अंदर जो अभी तक की जर्नी रही है मतलब सुपर बेस्ट, अभी तक के मेरे पूरे करियर के अंदर पूरी जो भी मैंने चीजें अप्लाई कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, तो जो सुपर बेस्ट रिजल्ट्स आए ना मेरे और मेरी टीम के साथ सर, मेरी जो टीम आई है तो वहां पर सुपर बेस्ट रिजल्ट आए अभी तक के सर। देखिए अभी इन्होंने जो चीज़ें बताई मुझे, जो देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ पता क्या हिट की है कि पैसा कमाना खुद तो लोग कमा लेते हैं, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि मेरे साथ के लोग हैं पैसा कमा पा रहे हैं, उससे भी बड़ी बात मेरी टीम में ही ऐसे लोग भी हैं जो मेरे बराबर इनकम कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई सिस्टम ऐसा कि आपको कमाने का मौका दे रहा है, लेकिन आपकी टीम में जो आपका साथ दे रहे हैं, जो आपके साथ आए थे इस बिहाफ पे कि यार मैं भी पैसा कमाऊँ, वो भी बहुत बेहतर यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, यही तो एक सिस्टम का दम होता है। क्या आप बताना चाहेंगे अभी तक आपको इस सिस्टम में सबसे बेहतर क्या लगा है? सबसे बेहतर तो सर मुझे बाकी सारी चीजें लगी हैं। पहली चीज तो हमारा जो ऑटोमेशन इनकम है, कोई भी पर्सन हमारे साथ स्टार्ट करता है तो वो विन विन सिचुएशन के अंदर ही रहता है, क्योंकि जो पैसा वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसका 1.5x से लेके 2.5x हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक्टिव इनकम भी अच्छी खासी 40-50% हम डायरेक्ट एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज, मैसिव पैसिव इनकम है सर, लगभग जो मेरी $2700 के करीब करीब अर्निंग हुई है
उसमें से 1350 डॉलर के करीब करीब मेरी एक्टिव इनकम है, और बाकी की जो इनकम है $1400 वो मेरी पैसिव इनकम है। तो जो सबसे बेस्ट मेरे को जो चीजें लग रही है, मेरे को सारी बेस्ट चीजें लग रही है, मतलब सिस्टम के अंदर जिस तरीके का सिस्टम है, जिस तरीके का एजुकेशन जो यहाँ पर मिल रही है, मतलब इस तरीके के एजुकेशन तो किसी जो आजकल के मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चले हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उनमें भी उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो एट ऑटोमेशन हो गया, सब सपोर्ट सिस्टम हो गया, टीम को लेके सपोर्ट सिस्टम इतना बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम हो गया, लाइव ट्रेनिंग्स होगी जो रेगुलर चल रही हैं, और प्लस में जो हमारा बिजनेस प्लान हो गया, मतलब उसमें बिजनेस प्लान के अंदर तीनों ही चीजें हैं, ऑटोमेशन भी और एक्टिव इनकम भी और पैसिव इनकम, मैसिव पैसिव इनकम है। तो मेरे को तो सारी चीजें बेस्ट लग रही हैं सर। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा सबसे बेहतर क्या लगा आपको अभी तक। सबसे बेहतर तो एक ही चीज है, रैंक इनकम हमारे सिस्टम में जो कि 1750 रुपए से स्टार्ट होती है और 10 करोड़ तक जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगभग $875 पैसिव इनकम आ चुका है, $875 अभी तक पिछले 28 दिनों में। और मेरा जल्दी सर नेक्स्ट रैंक भी हिट होने वाला है, वहां से एक ही दिन की इनकम लगभग 1,12,000 को क्रॉस कर जाएगी, और वो नेक्स्ट लेवल जब रिवील होगा, जब मैं चीजें बताऊंगा, एक ही दिन के अंदर ये पूरा पैसिव है। मेरे को सबसे अच्छी चीज वो लग रहा है ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे को वो पैसा आ रहा है, जो मेरी टीम काम कर रही है उससे भी मेरे को इनकम आ रही है, लेकिन जो रैंक इनकम है, जो एक ही बार में मतलब इनकम जो हमारी डायरेक्ट सेविंग हो सकती है, फिर उससे हम बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, अपनी फैमिली में हेल्प कर सकते हैं, तो रैंक इनकम है जो कि बहुत बढ़िया इनकम है, जो कि छोटी सी स्टार्ट होती है, ठीक है, छोटी सी टीम के ऊपर, और करते 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 10 करोड़ रुपए तक जाती है। तो ये बेस्ट है, मेरे को सबसे बिल्कुल बेस्ट ये लगा सर रैंक बिल्कुल इनकम। बिल्कुल, मुझे भी अपने सिस्टम का सबसे बेहतरीन बेस्ट रैंक इनकम ही लगता है, क्योंकि एक तो पैसिव इनकम भी है कि हम अपने लिए तो कमा सकते हैं, हमारी टीम के सपोर्ट से भी हम कमा सकते हैं। और अच्छा है आपका नेक्स्ट रैंक बहुत जल्दी हिट हो, बेस्ट विशेस उसके लिए। और मैं देखिए, अभी आपने जैसे बताया, कई बार बोल चुके हैं कि $2700 से ज़्यादा का इनकम आपका लास्ट 28 डेज का हो चुका है, ये इतना तेज़ी से कैसे हो पाया? सर तेजी से होने का रीजन ये कि जिस तरीके का हमारा प्लान है ना, उस वजह से ये चीजें हो पा रही हैं। मैं फिर से मतलब बोलूंगा, जो हमारा सिस्टम है, जिस तरीके की जो कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं अभी, ठीक है, उस वजह से चीजें हो पा रही हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि हमारा प्लान जो है ऑटोमेशन एक्टिव प्लस पैसिव, तो एक्टिव भी आ रहा है और यहाँ से टीम से भी पैसिव इनकम रिजल्ट्स क्रिएट हो रही है, तो इस वजह से। और वो अभी मैंने बोला था कि मैं नहीं, मेरी टीम के अंदर भी जो वर्किंग, जो मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं वो भी इतना अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, तो वो जितना मेरी टीम के अंदर जितना ज्यादा लोग कमाने वाले हैं वो उतना ही लगा लो उनसे ज्यादा, या फिर मैं उनके जितना कमाने वाला हूँ, तो ये बेस्ट चीज है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें टीम सपोर्ट भी मिल जाता है, ऊपर से हमें सिस्टम की तरफ से भी टीम सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, जो हमारा सीनियर, जो मतलब जो सिस्टम के अंदर हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे हमें काफी सारा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, एक टीम का। तो हमें ज्यादा नहीं, यहाँ पर एक ही लेग के ऊपर फोकस करना रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। सिर्फ सिंगल लेग, मतलब एक ही, अगर हमारे सिस्टम में कोई बहुत सारी मेरी टीम के अंदर सिर्फ एक ही लेग चला रहे हैं, और एक ही लेग से वो अच्छा खासा 50-50 हजार रुपए तक की अर्निंग को क्रॉस कर चुके हैं लास्ट 28 दिन, और 50 हजार रुपए की अर्निंग एक आज के टाइम पे बहुत बड़ी इनकम हो जाती है आज, अगर आप पास, और वो भी ऑनलाइन घर पर रहकर चीजें करना, तो मतलब जो जिस तरीके की हमारी कॉम्बिनेशन है हर एक चीज का, और सिंगल लेग के ऊपर काम करने से, तो इस वजह से हमारे ना मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं सर मेरे और मेरी टीम के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जैसे आपने बोली ना कि टीम, अकेले कब तक भागेंगे? टीम में वही होता है, थोड़ा थोड़ा काम भी करते हैं। बहुत बचपन में सुना होगा ना कि एक दीवार को एक इंसान बनाता है, तो मान लो 10 दिन लेता है, तो 10 लोग उस दीवार को बनाने में कितना समय लेने वाले? सेम वही चीज़ें हैं। उसी वजह से क्या होता है, फास्ट इनकम हो पा रहा है, अकेले भागने की जगह आज 10 लोग भाग रहे हैं, आगे 100, 200, 500, 1000, जिसकी वजह से तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। अभी तक आपने जैसे अर्निंग कम्युनिटी स्टार्ट किया, अभी तक की आपकी लाइफ जर्नी जो आपने बताई कि यहाँ से मैं सीखा भी चूजा, फिर भी आपको क्या लगता है आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हों, मेंटल लेवल पे हों, ओके, स्पिरिचुअल लेवल पे, जो भी चीज़ें हैं, आपको क्या लगा अभी तक आपकी जर्नी में? सर पहली चीज तो देखो, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैसे से दूर होती हैं, 99.99% प्रॉब्लम बोली जाती हैं कि हमारी पैसे से दूर होती है। तो यहाँ पर अर्निंग का अच्छी खासी हो पा रही है, लगभग 28 दिनों के अंदर 2,40,000 होना, तो उससे काफी सारी मतलब फैमिली की प्रॉब्लम्स, ठीक है, फैमिली को मैं अच्छा खासा सपोर्ट कर पा रहा हूँ, और जो कि फिजिकल लेवल पे चीजें हो गया, मेंटली लेवल के ऊपर हो गया कि सर जैसे कि बहुत सारी मैंने चीजें ट्राई करके देखी ऑलरेडी, ठीक है, तो वहां पर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी किया है, तो वहां पर जितना हम काम करते जाते थे उतना ही हमें पैसा आता था, ठीक है, और भी चीजें ट्राई करके देखी, तो वहां पर टीम इतनी ज्यादा बनी नहीं, तो उससे टीम का बेनिफिट हो नहीं पाया।
लेकिन यहाँ पर जो एक मेंटल पीस क्या है कि एक तो लॉन्ग टर्म का मतलब जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हमें बार बार ना कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर एक्टिव इनकम, ऑटोमेशन जो एक्टिव और प्लस पैसिव, ये तीनों चीजें हमें एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रही हैं, तो हमें और कुछ मतलब सोचने की जरूरत है नहीं। हमारे पास जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, मेरे को अभी लगता है वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब अभी तक का जो मैंने मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं सर, लगभग 300 से ज्यादा मैं प्लेटफॉर्म अभी तक देख चुका हूँ, ठीक है। जो अभी तक का मेरे को सबसे बेस्ट लगा ना, वो अर्नर कम्युनिटी लगा, जिस तरीके का प्लान है, जिस तरीके की चीजें हैं इसके अंदर। तो मेंटल लेवल पे यही पीस है कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक चीजें देख सकते हैं, कि अपना हमें कहीं पर बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो प्लेटफॉर्म गड़बड़ कर दें या फिर हम गड़बड़ कर दें, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से सही हो जाएं और प्लेटफॉर्म हमें अच्छा मिल जाए, तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से तो एक मेंटल लेवल के ऊपर काफी पीस हो जाती है कि हम इसके साथ अपना अच्छा एक दूर तक का विजन देख सकते हैं। जो हमारा रैंक इनकम बोला गया है, ठीक है, तो हमारे अंदर एक विजन भी बना रहता है कि हमें बहुत जल्दी मतलब वो जो 10 CR की इनकम है वो बहुत जल्दी अचीव करनी है। तो ये सारी चीजें आ रही है सर, मतलब बदलाव लेके आ रही है कि एक तो पूरा का पूरा पीस हो जा रहा है, ठीक है, दूसरा पूरा लॉन्ग टर्म का विजन सेट हो जा रहा है, तीसरा हमारे मतलब जो जिस तरीके का प्लान है उस तरीके से पैसे की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती चली जा रही है सर। और बाकी चाहिए क्या, साथ में सर सिस्टम नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स भी दे रहा है, ठीक है, वो भी फ्री के अंदर। तो मेरे को नहीं लगता कि इंसान का इससे ज्यादा कुछ चीजें चाहिए भी होती हैं। तो यही सारी चीजें मतलब सिस्टम के थ्रू मिल पा रही हैं। बिल्कुल आपको बता दूं, इन्होंने ऑलरेडी नेशनल ट्रिप अचीव कर लिया है, अपना गोवा का ट्रिप है वो ऑलरेडी ये अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए आज क्या है, इस सेशन में बहुत से नए लोग हैं जो इस उम्मीद की तरह जैसे आप कर रहे हैं वैसा करने की उम्मीद से इस सेशन का पार्ट है, कि उन्होंने अर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि वो आपके तरीके अर्निंग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे आपने अर्निंग की, कैसे वो कर पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप सक्सेस पा पा रहे हैं, और आप लोगों को सजेस्ट कर पाएं कि वो इन बेसिक स्किल्स पर काम करके यहाँ से सक्सेस पा सकते हैं? ओके, बेसिक स्किल्स तो अगर मैं सिंपल सबसे पहली जो चीजें बताऊं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपको वो उसके अंदर सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है, आपको वही सबसे पहले अटेंड कर लेना है, तो वहां से आपकी काफी सारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। लेकिन जो मेनली मैंने जिनके ऊपर काम करा और जो मेरे को मैसिव रिजल्ट दे रही है, सबसे पहली चीज तो मैंने अपने माइंडसेट के ऊपर काम करा, ठीक है, कि मेरे को अभी जो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है, मेरा कहीं पर पैसा वेस्ट जाने वाला नहीं है, विन विन सिचुएशन है, कर पाया तो भी पैसा आएगा, नहीं कर पाया तो भी पैसा आएगा, लेकिन करूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम जो था उसको उससे चीजें सीखी, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें सीखने को मिली, सबसे पहले तो हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो मतलब काम करने का जो तरीका होता है, जो जो चीजें हमें क्या चीजें अप्लाई करनी है और क्या चीजें अप्लाई नहीं करनी है, तो वो चीजें मेरे को वहां पर देखने को मिली, ठीक है। माइंडसेट को मतलब एकदम एक तरीके से वो वहां पर एक लाइन भी थी कि पेशेंस हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया और पैशन हो गया, इन तीनों चीजों को आपको साथ में लेके चलना है। तो वो मेरे को पॉइंट बहुत ज्यादा हिट हुआ था, ठीक है, वहां से चीजें सीखने को मिली। पैशन का मतलब जुनून होना जरूरी है, ठीक है, और पैशन का मतलब क्या होता है, पेशेंस का मतलब क्या होता है कि रातों रात एकदम से मतलब चीजें नहीं होती, लेकिन एक दिन चीजें जरूर हो जाती हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड, कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास सही चीजें हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप उनको पॉजिटिव तरीके से देखोगे और ग्रो करते चले जाओगे, क्योंकि एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी आपकी सारी चीजों को खराब कर देता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। तो ये माइंडसेट के अंदर मैंने चीजें सीखी। दूसरा पॉइंट जो था, जो यहाँ पर डायरेक्ट बताया गया था कि हमें चीजें करनी क्या है, मतलब बहुत सारे मैंने आज से चीजें देखी, ठीक है, स्लाइड्स की फॉर्म में आते हैं, बताकर चले जाते हैं, लेकिन करना क्या एग्जैक्टली, मतलब बहुत सारे लोग आके पूछते हैं भाई करना क्या मुझे। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर चीजें जो मेरे को सीखने को मिली कि सबसे पहले हमें करना क्या है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर काम करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा शोरूम है। जितना अगर हम ऑनलाइन के अंदर काम करें तो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल सुपर बेस्ट होना चाहिए। उस प्रोफाइल बिल्डिंग के सेशन के अंदर सारी चीजें बता रखें, किस तरीके को आपको डीपी बायो हाइलाइट्स बनानी कैसे होती है, लगानी कैसे है, कॉन्टेंट किस तरीके से डालना, आपको सब कुछ बता रखा है। दूसरी चीज, हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, लीड्स है ना, हम सेल्स की दुनिया के अंदर है, जितने ज्यादा हमारे पास क्लाइंट्स होंगे उतना ज्यादा हम यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। तो गाइस, तो सर मैंने लीड्स के ऊपर फोकस करा, लगभग मेरा जो आज भी मैं रील जो जो चीजें बताई गई कि डेली रील डालना है, एक दिन रील एक दिन पोस्ट, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज मेरे को वहां पर सीखने को मिली कि अपना साथ के साथ इनऑर्गेनिक लीड स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने फेसबुक एड स्टार्ट करा, लगभग जो मेरा डेली का बजट है 1500 रुपए के करीब करीब मेरा डेली का बजट है, वहां से लगभग 200-250-300 लीड्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मेरा कभी भी बिजनेस रुक नहीं रहा है। वहां से मेरे को डेली नए क्लाइंट्स मिल जाते हैं और डेली मैं फिर क्लोजिंग करता हूं, तो डेली 4-5 हजार रुपए की अर्निंग हो जा रही है।
और उसके बाद तीसरी चीज जो सीखने को मिली कि कॉलिंग कॉल पे कैसे बातचीत करना है, क्लोजिंग कैसे करना होता है, तो इन स्किल्स के ऊपर मेरे को चीजें सीखने को मिली और उन चीजों को मैं और पॉलिश कर रहा हूँ। तो और सिस्टम के अंदर एक और चीज बता रखी थी कि जो भी चीज आप कर रहे हो इसको कंसिस्टेंसी से बार बार चीजों के ऊपर फोकस करना है। और ये होगा कब, जब हम कुछ लोग हमारे पास आएंगे, तो सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन कुछ लोग हमारे पास आएंगे एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वहां से मैंने चीजों को अप्लाई करा, ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे साथ अभी स्टार्ट नहीं करा, बस मैंने चीजों को अप्लाई करा, ठीक है, और अप्लाई करते करते कंसिस्टेंसी से मेरे को पता चलता रहा मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ कहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। उन चीजों को मैंने अप्लाई करा करते 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 बार बार चीजों, वो बोलते ना एक स्किल अगर आपको सीखने तो बार बार उसको पॉलिश करना, तो बार बार उसको करते जाओ, ठीक है। तो मैंने जो मतलब जो चीजें हो सकती थी कॉलिंग करने की, मैं ज्यादा पहले कॉलिंग करता नहीं था तो मैंने कॉलिंग करने की अभी हैबिट डाली है, ठीक है। जितना ज्यादा कॉलिंग जो जो बिजनेस के अंदर चीजें चाहिए होती थी मैंने उन चीजों के ऊपर काम करा और करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ और पॉलिश होता जा रहा हूँ। जितना ज्यादा हम उस चीजों के ऊपर काम करते जाएंगे, स्किल्स के ऊपर काम करते जाएंगे, उतनी ज्यादा हम चीजें सीखते चले जाएंगे। तो ये बेस्ट चीज है, बेस्ट चीजें मेरे को वहां से पता चली कि जो भी हम सीखना चाहते हैं फिर जो भी हम करना चाह रहे हैं बस उनके ऊपर बार 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 कंसिस्टेंसी से जो सिस्टम ने हमें चीजें बताई वो करते रहना है। तो उससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया और ये सारी चीजें इम्प्रूव होती जा रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे चीज़ें सीख पा रहे हैं, कैसे अपने सिस्टम में सिंपल सा ट्रेनिंग जो मटेरियल है उसको फॉलो करके ही आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बहुत कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोग जैसे नए जब इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं ना, उनके दिमाग में ये होता है कि यार अभी तो इनकम दिख रहा है लेकिन क्या हम इसको एज ए करियर ले सकते हैं, आने वाले समय में किस तरीके से सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या अचीव कर सकते हैं, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। कई लोग स्टार्ट तो कर लिए पैसा देख के लेकिन उनके दिमाग में रहता है कि यार यहाँ से अचीव क्या किया जा सकता है, क्या कुछ आने वाले समय में संभव है। तो मैं दूसरों के भी यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आने वाले 6 महीने में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं और इस सिस्टम के थ्रू आपको क्या लगता है कि 6 महीने में आप कितना यहाँ से अचीव कर पाएंगे? सर सीधा फिक्स है ब्लू डायमंड, जो हमारे सिस्टम का बहुत अच्छा रैंक है और ब्लू डायमंड पे जो हमारी इनकम होती है लगभग लगभग 1 करोड़ के करीब करीब होती है। सर मेरी वीडियो मतलब अटक रही है थोड़ी? हाँ थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं। ओके, तो जो मतलब मेरा टारगेट है सीधा सीधा यही है कि ब्लू डायमंड हिट करना है। ब्लू डायमंड हिट करते सिस्टम को नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर 1 करोड़ रुपए तक की हमारी इनकम टच हो जाएगी। तो इसका पूरी चीजें तैयार है, पूरी चीजें कैसे कर रहे हैं उस चीजों के ऊपर काम भी चल रहा है, बस वही चीजें हम इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो ये मेरा सर सीधा सीधा टारगेट है क्योंकि हमारा प्लान और जिस तरीके की चीजें है ना सर उस तरीके से हमारा बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो प्लान है 2 लाख का प्लान है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट के अंदर में कुछ लीडर्स को तैयार करना है, राइट के अंदर में कुछ लीडर्स को तैयार करना है, उनको ज्यादा कमवाना है और हम ऑटोमेटिकली लेवल सेट करते चले जाएंगे। तो जितना ज्यादा हमारी टीम के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं उतनी ज्यादा हमारे ऊपर मैसिव पैसिव इनकम क्रिएट होने वाली है। और एक्टिव इनकम तो है ही, साथ साथ जितना हम काम करेंगे वो हमारा एक्टिव इनकम हो गया, जितना हम टीम के ऊपर फोकस करेंगे वो हमारा सारा पैसिव इनकम हो गया। तो जितनी हमारी एक्टिव इनकम होने वाली है इन फ्यूचर उससे ज्यादा हमारी पैसिव इनकम जाने वाली है। तो ये मैंने चीजें सर सोच के रखी हुई है, सोच के चीजें मतलब कर रहा हूँ, मतलब कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर लेवल हिट कर देना है। वॉइस तो क्लियर आ रहा है लेकिन वीडियो अटक रहा है थोड़ा सा, ऑफ करके ऑन कीजिए एक बार, देखिए शायद। ओके ओके, हाँ अभी सही है। तो नेक्स्ट लेवल में जैसे आपने बोला बंसीयाद, हो सकता है कई सारे लोगों को तो डाइजेस्ट ही ना हो रहा हो कि ऐसा भी संभव है क्या, क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉई पूरी जिंदगी नौकरी करके इतना पहुंच पाता है। लेकिन नहीं, तो मैं देखिए इसमें सिंपल सा आपको बोलूँ, समय के साथ रोजगार बदलता है, हमेशा समय के साथ तरीके बदले हैं। कभी नौकरी का समय था, आज कुछ और समय। आपने कई लोग डिजिटल में देखे भी होंगे, आप नॉर्मल सा नाम अगर देख लें टेक्निकल गुरु जी या इन लोगों का आपने नाम सुना होगा यूट्यूब पे, करोड़ों रुपये महीने का कमा रहे हैं सिर्फ यूट्यूब से। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा भी संभव है? कोरोना से पहले तो लोगों नहीं सोचा, कई सारे लोगों ने तो टिकटॉक से फेमस हो गए, है ना, इस तरीके की रील बना बना के लोग फेमस हो गए, अच्छा खासा कर पाए। वैसे ही क्या है, ये एक सिस्टम है जो समय के साथ आपको मिला है और समय के साथ जो चीज़ मिलती है वो आपको पुरानी से हमेशा बेहतर रहती है। तो इन्होंने जो 1 करोड़ बोला है आने वाले 6 महीने, वो सिर्फ हवा में नहीं है, वो इस सिस्टम के दम पर बोल पा रहे हैं क्योंकि इनको सीधा सीधा कैलकुलेटिव दिख रहा है कि वो यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जो भी चीज़ें बताई, क्योंकि आपने अपना बताया था कि जैसे आपने 300 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखे हुए हैं, चीज़ें आपने देखी हैं, समझी भी हैं, ट्राई भी किया है, अन्य कम्युनिटी में आपकी जर्नी अभी तक बेहतर रही। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो भी, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, जो भी सिस्टम आपने देखे उनमें और अन्य कम्युनिटी में आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगा अभी तक? सर डिफरेंस ये रहेगा कैलकुलेशन का, डिफरेंस यही है कि सर
कि जब हम देखो बहुत सारे मैंने सिस्टम चीजें ट्राई करी, सिस्टम ही मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मैं वहां पर टीका रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हमें दिखाई दे जा रही है कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ है वहां पर सारी की सारी कैलकुलेशन है। सिस्टम कब बंद हो जाते हैं, जब सिस्टम के पास पैसा आना कम और नीचे बटना स्टार्ट ज्यादा हो जाए। तो हमारा जो सिस्टम है वो उस तरीके का है नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो काम कर रही है टोटली कैलकुलेशन के ऊपर है, पूरा का पूरा कैलकुलेटिव प्लान है। तो कैलकुलेटिव प्लान होने की वजह से क्या होता है कि चाहे सिस्टम के अंदर 1000 लोग ज्वाइन कर जाएं, चाहे 50,000, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, तो जब कैलकुलेशन होती है ना साथ के अंदर, साथ के साथ, तो हमारा सिस्टम लॉन्ग टर्म तक रन करता है। तो जिस वजह से सर यहाँ पर जो बाकी के सिस्टम है और ये सिस्टम है, इस वजह से हम यहाँ पर अपना फ्यूचर और हम अपना जो भी चीजें मतलब बेस्ट लग रही है वो बस इसी वजह से कि लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्यों देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है पूरा सिस्टम, कि इतना पैसा आएगा इतना इतना यहाँ पर बढ़ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन के साथ चीजें हो पा रही है। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ना तो आ रहा है ना तो एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। जो भी ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन का मतलब भी सिंपल सा क्या है, अगर कोई भी पर्सन हमारे साथ स्टार्ट करता है तो उसमें से एक फिक्स अमाउंट है जो सिस्टम के अंदर बांट दी जा रही है और वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपनी जेब से कुछ भी पैसा नहीं देता है। ऑटोमेशन का मतलब ये कि जितने लोग इसको स्टार्ट करते जाएंगे उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता चले जाएंगे, और सारी की सारी चीजें कैलकुलेशन के बेस के ऊपर हो रही है। तो इस वजह से सर जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स आज मार्केट में रन कर रहे हैं उनसे बेस्ट है, और बेस्ट भी क्यों है क्योंकि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी ट्राई करके देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग भी ट्राई करके देखा है, ठीक है, और ऑटोमेशन का भी ट्राई करके देखा है। तो ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे को इस प्लान के अंदर मिले सर। और जो पहले चीजें करी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है, टीम सपोर्ट नहीं होता है। वो गलती एफिलिएट मार्केटर्स की भी नहीं है, गलती क्या है, जो सिस्टम ही ऐसा है। अगर हम अपनी इनकम करें तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम अपनी इनकम छोड़कर अगर फिर टीम के ऊपर फोकस करें तो खुद की इनकम रह जाती है। तो यहाँ पर क्या, हमारी एक्टिव इनकम भी और पैसिव इनकम भी है। जितना ज्यादा हम टीम पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा हमारी इनकम होगी, प्लस में जितना हम ज्यादा लोगों को लेके आएंगे तो वहां से एक्टिव इनकम होगी, ठीक है। साथ के साथ वहां पर क्या होता है कि जो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो वहां पर होता क्या, फिर जो भी नए पर्सन भी होते हैं तो वो जो अपना पैसा उनके मन के अंदर डर रहता है कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो हमारे सिस्टम में खास बात क्या है कि जो भी पर्सन स्टार्ट करने वाला है उसका पैसा उसको आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर उसका पैसा उसको 1.5 से x x से लेके 2, मतलब 1.5 से 2.5 गुना उसको मिल जाना है। तो हमारे पास दोनों हाथों में लड्डू है, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले वहां से भी हमें पैसा आ जाने वाला है, ठीक है, और इसको प्रमोट करते हैं। तो हमारे पास तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऑटोमेशन का भी, एफिलिएट मार्केटिंग का भी, नेटवर्क मार्केटिंग का भी, साथ में हमें यहाँ पर कोर्सेज भी फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे बेस्ट चीजें हो ही क्या सकती है, कोर्सेजों में एजुकेशन सिस्टम है, प्लस में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, लाइव वेबिनार ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशन बहुत सारे लोगों अदर अदर सिस्टम में चलते रहते हैं, लेकिन लाइव वेबिनार जिस तरीके की ट्रेनिंग रेगुलर जो चल रही है, ठीक है, कुछ लोग कुछ सिस्टम के अंदर कुछ टाइम तक चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, लेकिन अपने में रेगुलर कंसिस्टेंसी से जो चीजों फॉलो होती जा रही हैं और नए नए लोग आते जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारे कभी चीजें बंद भी नहीं होने वाली। तो इस ये चीज क्या है कि हमारा सिस्टम ही डुप्लीकेशन का है, और जितना हमारा सिस्टम डुप्लीकेट होगा ना उतना ज्यादा जल्दी हम ग्रो करने वाले हैं, और ये इसी चीज की वजह से हमारी टीम के अंदर रिजल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जो नए लोग आते जा रहे हैं उन चीजों का अप्लाई करके वो भी मतलब चीजों का अप्लाई करते जा रहे हैं, और बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स नेट मार्केटर दैट्स सर हमारे सिस्टम के साथ कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से हम चीजों को ग्रो कर पा रहे हैं, और आने वाले कुछ टाइम के अंदर बहुत तेजी से हम ग्रो करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बेस्ट है सर बाकी सिस्टम से चीजें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे देखिए, इन्होंने जैसे बोला ना कि हमारे ट्रेनिंग सिस्टम रेगुलर चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आज जो चल रहे हैं कल बंद हो जाएंगे। वजह क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम सेंट्रिक नहीं है कि पता लगा जो अपलाइन में है जो टॉप पे है वही चलाने वाले। यहाँ क्या है, हर इंसान डुप्लीकेशन की वजह से है कि मैं जितना बेहतर अपनी टीम में लोगों को बना दूंगा उतना तेजी से मेरा ग्रोथ कम हो ग्रोथ फास्ट होगा, प्लस मेरा वर्क कम हो जाएगा। कि आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम में कोशिश क्या करना है, मुझे दो ही लोग चाहिए, लेफ्ट और राइट, दो लोगों को मैंने बेहतर बना दिया, मैं अगर शांति से बैठ भी जाऊँगा तब भी मुझे इनकम आएगा। ये सिस्टम की खासियत है। तो मैक्सिमम मैं कोशिश क्या करूँगा, जब मुझे पता है कि मेरे जैसे लोग अगर मेरी टीम में हो गए तो मेरा एफर्ट कम हो जाएगा, तो इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। और जहाँ फेस बहुत से हैं, लोग बहुत से हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आपका ग्रोथ रुकता नहीं है और सिस्टम सेंट्रिक नहीं होता। सेंट्रिक होने पे क्या होता है, मेरे ऊपर लोड पड़ गया तो पता लगा सिस्टम ही काम करना बंद कर गया। यहाँ क्या है, हर इंसान काम कर रहा है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा बेसिकली क्या होता है कि जितना हम महीने में कमा लेते उतना ज़्यादा लोड ऊपर आ जाता है। जबकि इस सिस्टम का क्या है कि आप जितना भी कमाइए, जो लोग आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं उनको बेहतर बना दीजिए, आपकी इनकम बढ़ेगी लोड घटेगा।
समय के साथ आपका वर्क कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता जाएगा। बाकी सिस्टम्स में आपने देखा कि वही काम है, डेली कुआं खोदो डेली पानी पियो, काम करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल सा। यहाँ पे एफिलिएट का हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग का, ऑटोमेशन का भी, हर तरीके से एक्टिव पैसे वो ऑटोमेशन, तीनों तरीके का। और हर कोई इंसान जब स्टार्ट करता है ना, उसके अंदर डर क्या होता है यार, मैं स्टार्ट तो कर लूँ लेकिन काम ना हुआ तो कैसे होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसको ऑटोमेशन इनकम आ रहा है कि बाई चांस वो नहीं भी सक्सेस हुआ तब भी उसका पैसा तो उसके पास रिटर्न हो जा रहा है। लेकिन बस क्या है, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी कितना भी समय उसको लग सकता है। इसकी वजह से ये प्लान एथिकल है क्योंकि टर्नओवर बेस्ड है, पैसा आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत अच्छा आपने बताया। और अब मैं सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी नए लोग हैं, जो भी सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, जो आगे भी सिस्टम का पार्ट बनेंगे, जो इसको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी आपके तरीके सिस्टम का पार्ट करके फास्ट अर्निंग कर पाएं? उनको मेरी तरफ से ही मैसेज है, देखो आज आपको जो भी चीजें आप पहले कर रहे थे ना, तो वो चीजें जो भी चीजें कर रहे थे, मेरे को उन चीजों से रिलेटेड को ना तो कोई लेना देना ना तो कुछ पता है। लेकिन आज आपको जो अर्नर कम्युनिटी सिस्टम मिल गया ना, तो ये मान के चल ना कि देखो जो भी चीजें, वो बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। तो आपकी जिंदगी के अंदर अर्नर कम्युनिटी सिस्टम आ चुका है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो इस चीज को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपने हल्के में ले लिया ना, तो ये जो 28 दिनों के अंदर मैंने जो ये जो रिजल्ट हुआ है, जो मेरी टीम के अंदर रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, ये अगर हल्के में लिया होता तो ये क्रिएट नहीं होता। तो मेरी तरफ से आप सभी को ये मैसेज है कि जो आपके जिंदगी के अंदर भगवान ने इस सिस्टम को भेजा ना, तो आपको बहुत सोच समझ कर ये चीजें मिली हैं। और इस चीज को जो अर्नर कम्युनिटी, यहाँ से आप एक अपनी जो फैमिली से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीजों को आपको सोल्व करने का एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया, एक तरीका मिल गया है, अब आपके हाथ में है। और आपके हाथ में भी क्या है, अगर आप अपना बस थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, सिस्टम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा है, बस थोड़ा सा हमें सिस्टम के साथ मिल जाना है और चीजें आप ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी, ठीक है। तो सिस्टम के साथ आप अपना विजन जोड़ के रखना है कि सिस्टम एक तो पहली चीज तो कहीं जाने नहीं वाला है, दूसरी चीज बस सिस्टम तो कहीं जाने नहीं वाला है, आप कहीं चले ना जाओ, ठीक है। तो आपको सिस्टम के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि जिस तरीके की इनकम, जिस तरीके की जो चीजें, जिस तरीके का जो सिस्टम है, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग जाकर वापिस आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि इस तरीके का जो सिस्टम, जो चीजें मिली है ना, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये मेरा पूरा पास्ट का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग इधर उधर जा जो के वापिस इधर ही आते हैं, क्योंकि जिस तरीके का सिस्टम और जिस तरीके का हमारा प्लान है, मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें चली हुई ना, उनसे 3 गुना ज्यादा इनकम दे रहा है, 3x इनकम, सेम टीम के ऊपर, सेम मेहनत के ऊपर, सेम काम के ऊपर। तो हमें और इधर उधर देखने की जरूरत है ही नहीं। तो हमको जो चीजें मिली है, बेस्ट चीजें मिली है, और बस उन चीजों के ऊपर हमें थोड़ा सा अप्लाई करना है, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर फोकस करना है, बार बार चीजों को अप्लाई करते रहना है। और जो चीजें आप सोचना मतलब जितनी भी आप चीजें अपनी फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें सोच रहे हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम अगले 6 से 12 महीने के अंदर जड़ से खत्म हो जाएंगी। बस आप इस सिस्टम से कनेक्ट रहना, आपका जो डेली का वर्क है, जो आपके हाथ में है, वो आपको चीजें करते रहना है, और बस उन चीजों के ऊपर बार बार पॉलिश करते रहना। जो भी चीज आप कर रहे हो, बस ध्यान देना कि मैं कहां पर थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स होती हैं, कहां पर मैं चीजें कर रहा हूं, और बस उन चीजों के ऊपर काम करके आपको बस अपने आप ही चीजें होती चली जाएंगी। तो यही है कि जो अर्नर कम्युनिटी आपको मिला है, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है अभी तक का, और जो आपको सिस्टम यहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम मिला है, बेस्ट चीजें मिल रही है लर्नर्स कम्युनिटी की तरफ से। तो बस आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करना है, और आप बहुत तेजी से हमारे सिस्टम के साथ ग्रो करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आपने आज अपने बारे में डिस्कस किया, अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस किया, और आज मोस्टली लोगों को कहीं ना कहीं जानने का मौका मिला होगा कि वो भी अर्नर कम्युनिटी से कैसे फास्ट वर्क करके इनकम कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे अंदर ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, तभी हम जाके काम कर पाए। भरोसा कहाँ से आता है, जैसे हम देखते हैं कोई भी हॉस्पिटल भी, अगर हम किसी हॉस्पिटल पर टेस्ट इस बात से नहीं करते कि हम पहली बार चले, हम क्या देखते हैं उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। किसी भी कॉलेज स्कूल पर हम पास्ट एक्सपीरियंस से, वैसे आज आपको एक इंसान के बारे में जानने का मौका मिला कि यार किसी ने यहाँ से अर्निंग किया है लास्ट 28 डेज के अंदर $2700 प्लस, मतलब पर डे का $100 का मतलब लगभग ₹9000 पर डे इनकम हुआ है। जितना लोग महीने का, एक कई सारे लोग तो महीने का पूरा 9-10 हज़ार होता है, 2 दिन की इनकम में पूरे महीने की सैलरी ख़त्म उनकी। ओके,
तो वो चीज़ें यहाँ पे कर पा रहे हैं क्यों? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम का पोटेंशियल है। आज आपको ट्रस्ट भी चीज़ें हो पा रही होंगी कि यार आप भी सिस्टम का पार्ट बने तो आपने कोई गलती नहीं की, आप भी सिस्टम से बहुत बेहतर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें जो भी ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है उनको अप्लाई करना है लाइफ में, आप बेहतर कर लेंगे। थैंक यू तुषार जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और सभी जो भी लोग आज इस सेशन का पार्ट हैं उनके लिए बस हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए पर्सन के साथ। बिल्कुल सर, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा सर, मैंने बाकी अचीवमेंट करी है, मैंने पहले भी बहुत सारी अचीवमेंट करी है, लेकिन इस सिस्टम से मेरी पहली अचीवमेंट है जो कि काम से रिलेटेड है। एक बस नॉर्मली काम करने, मेरे पास ऑलरेडी फोन है, वन प्लस का फोन है, आईफोन भी फोन है, ठीक है, बस मैंने एक नॉर्मल फोन चाहिए था तो मैंने एक और फोन ले लिया, 60,000 रुपए का IQ11 फोन परचेज करा है। तो ये मेरी अभी छोटी सी अचीवमेंट है इस सिस्टम की तरफ से, बस ये मिसिंग थी तो ये मैंने चीज़ आपको बता दी है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए छोटी सी अचीवमेंट है बस 60,000 की, ओके, ऑलरेडी आईफोन है, वन प्लस भी है, एक और फोन हो गया, और फिर भी छोटी सी अचीवमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अचीवमेंट छोटी बड़ी किस बिहाफ पे होती है, हम कितना अर्निंग कर पा रहे हैं, आपकी पॉकेट कितना सपोर्ट कर रही है, इस बात पे डिपेंड करता है। अब आपकी पॉकेट ही 10,000 सपोर्ट कर रही तो 60,000 आपको बहुत बड़ा लगने वाला है। तो आप चाहते हैं आपको चीज़ें सस्ती लगना शुरू हो जाएं, तो अपनी इनकम बढ़ा लीजिए, आपको सारी चीज़ें सस्ती लगना शुरू हो जाएंगी। आपको आईफोन 14 आईफोन 15 भी सस्ता लगेगा, बस आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक 11 बजे नए पर्सन के साथ, उसकी कहानी, उसकी जवानी, जो वो बेहतर आपके साथ लेके आएगा, जो उसने अपनी लाइफ में अचीव किया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू।